अब धीरे धीरे आप लोगों की यात्रा, पता भी नहीं चला होगा ना इतने दिन कैसे बीत गए, था नहीं भाई ना कद दिन भाई सके हो। तो परम श्रद्धे वंदनीय हम सब के लिए प्रेरणा ऊर्जा आदर्श के स्रोत पूज्य स्वामी जी और आज आप सबकी खुशी के लिए, आपके आनंद के लिए, मौज कराने के लिए आए हुए हमारे परम श्रद्धेय वंदनीय महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज, जो बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, विद्वान महापुरुष हैं, और साथ में जैन धर्म में बहुत अग्रणी मुनि के रूप में सभी समाज में, सभी सामाजिक कार्यों में, सभी समाज के विभिन्न आयोजनों में राष्ट्रवाद के अलख को जगाते हुए पूरे देश में भ्रमण करने वाले परम पूजनीय मुनि लोकेश मुनि जी महाराज भी यहाँ पर हैं। वो भी आपको आशीर्वाद देने के लिए आए, ये बड़ी बात है। साथ में हमारे बहुत ही ऊर्जावान हैं, और बड़ी बात यह है कि परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी के साथ में थोड़े आगे थे शायद आप पढ़ने में, सात तीर्थ हैं गुरु भाई, फिर तो हमारे भी गुरु भाई हैं। तो पूज्य स्वामी स्वदेश जी आचार्य जी जो मथुरा में गुरुकुल का संचालन करते हैं और अपने से बहुत अनन्य जुड़े हुए हैं, तो पूज्य आचार्य जी भी यहाँ पर हैं, और पूज्य हमारे दोनों युवा स्वामी जी पूज्य महामंडलेश्वर जी के साथ में रहते हैं, कमलदास जी, पूज्य स्वामी कमलदास जी और केशवानंद स्वामी जी, दोनों को भी बहुत शुभकामनाएं। और हमारा इधर भाई बैठा है पूरा संस्कृति जागरण में लगा हुआ है, ये भव्य भव्य श्रीवास्तव जी, वो भी यहाँ पर हैं, और आप सबको आशीर्वाद मिला परम पूज्य स्वामी जी महाराज का। उससे पहले कितने आयु वृद्ध हैं वो, बहुत ज्ञान वृद्ध भी हैं, और अभी आप सब लोग पूरे आनंद के साथ यहाँ पर हैं। अभी हमारे कुछ दिन, महाराज जी इनका 9 तारीख को समापन है, 10 तारीख को इनको घुमाने का कार्यक्रम है, इसके बाद ये चले जाएंगे, और लगभग ये 12 13 तारीख 10 तारीख से घर से निकले हुए लोग हैं। एक घर क्यों भेजते हो हरिद्वार के बाद? हरिद्वार का एक नहीं, तैयार हैं महाराज जी, बहुत सारे तैयार हैं। जिसने देख लिया हरिद्वार उसने छोड़ा घर का, उसका छूट गया घर। तो नहीं, बहुत तैयार हैं, तो तब सब और तैयार होनी हो, पूरा तैयार भैर और योग्यता क्षमता ले फिर काम करनी हो, है ना, तो सब मिलकर के आप पूरा तैयार हो जाओ और अच्छी तरह से लगो। अभी हम लोग मिलेंगे भी दोपहर के बाद भी, श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी महाराज भी रहेंगे, और आप सबका आज महाराज जी की इच्छा भी है कि आप लोगों के साथ जो फोटो सत्र भी हो जाएगा, सेशन भी हो जाएगा, और कल मैं प्रयास करूँगा, कल हम लोग बैठ करके जो कार्य के हिसाब से, क्योंकि जो सीखा है, सिखाया गया है, उसको जा करके करना भी है काम, तो समूह बना करके अलग अलग तरह से किस तरह से आपको काम करना है, जिसकी जितनी रुचि है, जिसका जितना सामर्थ्य है, जिसकी जितनी विद्या है, उसके अनुसार आपको अलग अलग तरह का कार्य का विभाजन भी किया जाएगा, तो उसके लिए भी हम बैठ करके पूरी चर्चा करेंगे। और फिर समापन की तैयारी हो रही है, तो एक अद्भुत और भव्य कार्यक्रम हो जो पूरे देश और दुनिया को पता चले, और ये पहली बार ऐसा हुआ है, तो इसके लिए पूरी पूज्य स्वामी हमारे देवव्रत आचार्य जी और उनकी पूरी जो शिक्षक टीम है, उन्होंने भी अथक पुरुषार्थ किया, हमारे यहाँ से हमारे स्वामी में हमारी साध्वी देव विजया जी ने पूरा पुरुषार्थ किया, आप लोगों के साथ रह करके, बहनों के साथ विशेष कर करके सुबह से शाम तक रही हैं वो, और बाकी सब लोगों ने किया। उधर से आए हुए मैं तो
हमारे साध्वी देव कृपा जी हो गए, भाई लवदेव जी हो गए, पूरी टीम है। तो इसमें से हम पुराने जितने भी हमारे जो शिक्षक हैं जो युवा संगठन के हिसाब से काम करना चाहते हैं, तो इसमें दो ही बातें थी। मैं थोड़ा सा एक दो लाइन में भी बता देता हूँ, बाद में फिर आप समझे रहना। जो योग शिक्षक प्रशिक्षण की जो परंपराएं हैं वो सारी परंपरा और जो शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था वो उसी तरह से चलेगी, संगठन का स्वरूप भी उससे भी दृढ़ता से मजबूत बना करके हम आगे ले जाएंगे। उसके पैरेलल हमारा टारगेट था कि हम स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को कैसे टारगेट करें, उनके बच्चों को कैसे सिखाएं। तो इसमें से दो बातें हैं, सिखाना, जितने भी जो लोग हैं जिनको हमने जो संपूर्ण व्यायाम और दूसरी विधाओं को इसलिए सिखाया है क्योंकि जो युवा और युवतियाँ होती हैं, मैंने देखा है। अच्छा ये बताओ जितने भी आप हैं स्कूल कॉलेज वाले, कितने बच्चे हाथ खड़े करना, लड़के लड़कियां जितने भी आप लोग या अभी स्कूलों में कॉलेजेस में हमारे जी, वो इतनी संख्या है। अच्छा ये बताओ तुमको व्यायाम लट्ठी और सब सीखने में मजा आ रहा है ना, आनंद आ रहा है ना? तो यही उत्साह उस सारे विद्यार्थियों को सारे स्कूल कॉलेजेस में पहुंचे इसके लिए तैयारी करनी है। तो जो युवा संगठन में क्या है कि जो सिखाने वाले जो थोड़े रुचि रखने वाले आपको रहेगा, आपका टारगेट रहेगा 25 साल से नीचे तक कंपलसरी उस व्यायाम आदि की प्रक्रिया से फिर हम जो योग शिक्षण प्रशिक्षण वो चलता रहेगा। और उसमें भी हमने ये विचार किया कि उसका भी एक सिलेबस कोर्स और विधिवत तैयार कर देंगे। मैंने लवदेव जी को भी बोला कि जो एक घंटे का हमारा जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस तो उसमें भी रहेगा, सारी बच्चों को योग तो सिखाना ही सिखाना है, तो योग के अतिरिक्त बाकी गतिविधियों से भी जोड़ करके, जिससे कि महाराज जी ने कहा कि पूज्य स्वामी जी ने कहा कि नेपाल कमजोर नहीं है तो समृद्धशाली शक्तिशाली नेपाल है। और ये आप लोगों ने, क्योंकि ज़्यादातर शहरों में रहने वाले लोग इसमें ज़्यादा आए हो तो व्यायाम एक्सरसाइज करना छोड़ दिया, तो कईयों को तो 15-20% को बुखार चढ़ गया। क्यों? क्योंकि शारीरिक श्रम करने की आदत ही नहीं है, यहाँ करा दिए व्यायाम। तो मैं माननीय पांडे जी हमारे ये विकास प्राधिकरण में यहाँ पर उपाध्यक्ष हैं, तो आचार्य जी पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद लेंगे। पांडे जी आ जाओ, पांडे जी को बढ़िया आशीर्वाद जी। तो आ जाओ, पूरे परिवार के साथ में आए हैं जी, तो इनको भी एक बार जोरदार ताली से आप इनका पांडे जी का जो है स्वागत कर दें। जो विकास प्राधिकरण है ना, पहले हम इनके सीमा से मुक्त होते थे, ये विकास प्राधिकरण से बाहर होता था ये, अब इनके हम सीमा में आ गए, तो सब ये बिल्डिंग भवन के नक्शा ही इसके मालिक हैं ये जी। तो परिवार से तो उनको शुभकामनाएं। तो इसलिए ये सारी पूरी तैयारी करके, ये प्रारंभ है, ये अंत नहीं है, ये पहला प्रयास था। तो कुछ कुछ चीज़ों में और बेहतरी के लिए क्या हो सकता है, और सुंदर कैसे हो सकता था, ये सारी चीज़ें भी हमारे मन में हैं। और आप लोग क्या करते हो, कितना कर रहे हो, चाहे मैं नहीं आया नहीं बैठ पाया, पर ऐसा नहीं कि हमारे नॉलेज में वो चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है, सब कुछ हमारे नॉलेज में है। तो मध्याह्न के बाद फिर हम आएंगे और श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ में, तो पुनः पूज्य महाराज श्री आए, सभी हमारे स्वामी वृंद आए, माननीय श्रद्धेय मुनि जी महाराज आए, सबको हमारी बहुत हमारा सबको प्रणाम है। और आप सबके लिए परम पूज्य श्रद्धेय वंदनीय हमारे निवृत्तमान सत्यमित्रानंद जी महाराज, तो कलश लेकर के देने के लिए, देखो मैं आपको बताता हूँ कि उनकी आयु जो है ना बहुत 90 साल के लगभग आयु है, और चलने में बहुत कठिनाई है, आपने देखा होगा चल भी नहीं पाते, पर उन संत की देखो कलश तो ठीक है वो, परंतु कलश से भी बड़ी बात उनकी भावना देखो, उस उनके उस महापुरुष के हृदय में परम श्रद्धेय स्वामी जी को लेकर के, पतंजलि को लेकर के क्या भावना होगी, कि उस भावना को व्यक्त करने के लिए, नहीं तो वो हमको कह देते, किसी आदमी को भेज देते कलश ही देना होता, तो भाई स्वामी जी को भेंट करना ले जा करके दे दे, नहीं कलश की बात नहीं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कि जो आप काम कर रहे हैं उस कार्य के लिए हमारी शुभकामनाएं, हमारा आशीर्वाद, हमारा संपूर्ण साथ आपके साथ है इसको व्यक्त करने के लिए। तो कभी कभी हम जब काम कर रहे होते हैं ना, हमको लगता है, देखो चाणक्य ने कहा कि बोले दुनिया में असुरों ने इतनी हानि नहीं करी, दुष्टों ने इतनी हानि नहीं करी कि जितनी सज्जनों की उदासीनता ने की। ये बड़ी बात है, तुम सारे सुन लो, कि जो जितने भी दुष्ट लोग हैं जो गड़बड़ी कर रहे हैं, बोले उतनी हानि उन लोगों ने कभी नहीं करी, सबसे बड़ी हानि करी जो सज्जन थे उनके मौन ने किया, उनकी अक्रियाशीलता ने की। तो दुष्टों की दुष्टता से नहीं, सज्जनों की उदासीनता से देश और राष्ट्र की ज्यादा हानि हुई है।
उसको रोकने का काम आपको करना है। आप मौन होकर के गलत हो रहा है, हम देख रहे हैं हमारे आंखों के सामने, यदि आपको गलत होता हुआ अस्वीकार है तो आपको अस्वीकार्यता के लिए लड़ने के लिए खड़ा होने लायक बन करके विरोध करने के लिए सामने आना पड़ेगा। उदासीन बैठने से काम नहीं होगा। तो उस दक्षता को, उस क्षमता को, उस योग्यता को कि विरोधियों के सामने विरोध जो गलत काम हो रहा है राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, परंपरा के लिए, उसको रोकने के लिए आपको मजबूत और बलवान बनना है। इसके लिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया और पिछले लगभग अभी आप इन 20-25 दिनों से यहाँ पर जुटे हुए हैं, तो आप सबको इस कार्य के लिए, और मुझे लगता है शुरू शुरू में कई लोग तो थोड़े से विचलित से हो रहे थे, पर जितने बचे हो मुझे पक्का है कि 99% बिल्कुल पक्के हैं और पूरे अच्छी तरह से आप लोग काम करेंगे, यह हमें भरोसा है। तो पुनः आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएँ।